और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार पहाड़ के विकास का दावा कर रही है। इसके लिए पौड़ी में कैबिनेट की बैठक के जरिए संदेश भी दिया गया। साथ ही पौड़ी के विकास के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। सरकार ने साहसिक खेलों के लिए अलग से निदेशालय बनाने का फैसला किया है। पौड़ी गढ़वाल में अवस्थापना विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया। पौड़ी में रोपवे बनाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही देवाल में एनसीसी एकेडमी बनाने को भी सरकार ने मंजूरी दी है। सरकार ने पौड़ी में सीता माता सर्किट विकसित करने का फैसला लिया है। पौड़ी में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग लेने की बात सरकार कर रही है। साथ ही लॉगली झील के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसका भी भरोसा सरकार ने दिया है। यहाँ पर कुछ अवस्थापना सुविधाओं का ये विकास किया जाएगा और इस पर 2 अरब रुपए का प्लानिंग हम करेंगे और उसके लिए पर्यटन विभाग को मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि उसके लिए 2 अरब रुपया 200 करोड़ रुपया वो उसके लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसकी तैयार करेंगे, जिसमें अगर हम पौड़ी का जिक्र करेंगे प्रॉपर तो पौड़ी में जैसे यहाँ के पार्क हैं उनका जीर्णोद्धार है। और जी मीडिया संवाददाता मनमोहन भट्ट का सीधे रुख करते हैं। मनमोहन, पौड़ी को लेकर जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी और पौड़ी उम्मीद करता भी है क्योंकि उत्तराखंड के निर्माण में जिस तरीके से आंदोलन किया गया, लेकिन जो बातें सरकार कह रही है सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, पर जमीन पर जब ये चीजें उतरेंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत दूरगामी मास्टर प्लान है, बस सुनने में अच्छा लग रहा है, उतरने में दशक बीतेंगे? देखिए, ये सुनने में तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि सीता माता सर्किट डेवलप किया जाएगा, पौड़ी का उद्धार किया जाएगा, पर्यटन के क्षेत्र में पौड़ी का नाम होगा। लेकिन 19 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं। पौड़ी और नैनीताल और मसूरी की हाइट लगभग बराबर है। जो खूबसूरत हिमालय कश्मीर से नजर आता है या नैनीताल से नजर आता है या मसूरी से नजर आता है, वो खूबसूरत हिमालय अपना पौड़ी से भी नजर आता है, लेकिन कोई इस तरीके का पर्यटन के क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं हो पाई। पलायन सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल से हुआ है और अल्मोड़ा से हुआ है। पौड़ी उन शहरों में है जहां से आंदोलन की आवाज निकली थी, जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और आज पौड़ी की हालत क्या है वो सब देख रहे हैं। कमिश्नरी को जिंदा करने की जरूरत पड़ रही है, जबकि ये तमाम अधिकारी जो वहां अब कैबिनेट में शामिल थे, उन अधिकारियों को वहीं बैठा होना चाहिए था, वो तमाम लोगों ने अपने कैंप ऑफिसेस देहरादून में बना लिए। तो पौड़ी की जो हालत है उसको सुधारने की अब कवायद की जा रही है। अब ये एक नया कोशिश है, नई प्रयास है, ये देखना होगा कि ये जो प्रयास हैं, ये जो आज घोषणाएं हो रही हैं पिछले 2 दिन से, क्या ये वाकई में धरातल पर उतर पाएंगी, क्या वाकई में जो सोचा गया है उसको वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, या जैसे टिहरी झील में कुछ दिनों पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, पिछले साल कैबिनेट बैठक हुई थी और जिस बोट में बैठक हुई थी वो बोट डूब गई, तो क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या फायदा हुआ, ये देखना होगा। तो पौड़ी अब किस दिशा में जाएगा इसको भी सोचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। अगर वाकई में जितनी योजनाएं बनाई गई हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो हो सकता है काम ठीक से हो। मैं जब इलेक्शन कवर कर रहे थे हम लोग पौड़ी गढ़वाल में, हमने 4 शोज किए थे, जो हम अपना सुपर हिट शो था हमारा जनता का सवाल, उसमें लगातार हम ये बात कर रहे थे कि पौड़ी गढ़वाल की हालत कैसे सुधरेगी। पलायन सबसे ज्यादा है, पानी की समस्या है, शिक्षा रोजगार नहीं है, इसीलिए पलायन होता है। जो इंडस्ट्री वहां पर आनी चाहिए थी, HP का नाम एक बार बड़े जोर शोर से वहां पर चला कि बड़ी इंडस्ट्री वहां पर आएगी, लेकिन कुछ फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जबकि पौड़ी गढ़वाल की अगर हम एयरपोर्ट से बात करें, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से बात करें, तो 2.5-3 घंटे का मात्र सफर है, लेकिन सड़कें आधी अधूरी बनी हुई हैं, कई जगह डेवलपमेंट बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अब ये कोशिश है तो इस कोशिश को देखना होगा कि इस कोशिश को किस तरीके से अमल करेगी राज्य सरकार, उसके अधिकारी किस तरीके से अमल करेंगे। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, तो ये देखना होगा। HRD मंत्री जो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, NSA पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, आर्मी चीफ पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी पौड़ी गढ़वाल की ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत बदसूरत तस्वीर इसको कह सकते हैं। तो ये बदसूरत तस्वीर क्या खूबसूरती में बदली जाएगी? अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि पानी की समस्या किस तरीके से पौड़ी गढ़वाल में, तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, लेकिन ये बड़ी समस्याओं का रूप इन्होंने धारण कर लिया है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं झील बनाई जा रही है, पानी के लिए झील बनाई जा रही है, साहसिक खेलों के लिए पौड़ी एक अच्छा स्थान है, ऋषिकेश और पौड़ी के बीच में बहुत सारे साहसिक खेल जो होते हैं उसके सेंटर बने हुए हैं, तो कैसे डेवलप होगा ये सरकार को मालूम है, लेकिन डेवलप क्यों अभी तक नहीं हुआ इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो अब ये जो कोशिश है इसको देखना होगा कि आने वाले 5-7 साल
साल में क्या वाकई में जो आज नींव रखी गई है वो कहीं इमारत बनती हुई नजर आएगी, या 5 साल बाद फिर हम इसी बात पर जिक्र कर रहे होंगे कि पौड़ी को बचाने के लिए, पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए, नए मौके तलाशने के लिए कोई नई योजना? बिल्कुल, क्योंकि कम से कम जिन चीजों का जिक्र किया गया है उसको देखकर यह तो कहा जा सकता है कि इंस्टेंट वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है, लंबी योजनाओं का विषय है। अब ये योजनाएं पूरी तरीके से कब बनेंगी, निदेशालय कब बनेगा और जमीन पर चीजें कब उतरेंगी वो सरकार ही जान सकती है या फिर भगवान ही जान सकता है। शुक्रिया मनमोहन जानकारी और अपडेट्स को देने के।